हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हीरो होस्ट और मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह भी किए थे आपने, तो आपने बोला था कि ऐसे जो हेडलाइट है वो डिम चलती है, येलो लाइट आती है, तो आज मैं उसी का सलूशन आपको बताऊँगा क्यों आपकी जो बाइक की जो हेडलाइट है वो क्यों येलो पड़ जाती है। जैसे ये तो अभी सही है, ये कैमरा के कारण अभी आपको दिख रही है ऐसी, ये तो सही है, लेकिन मैं आपको हर फैक्टर का बताऊँगा क्या क्या वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो बाइक की लाइट है वो डिम चलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बाइक का जो हम फ्रंट से जो इसका ग्लास है, हम इसको चेक करते हैं पहले। अगर ये थोड़ा पुराना होके ऐसे ख़राब हो चुका है, डल पड़ गया है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है, अगर आपकी बाइक की जो लाइट है डिम चलती है, तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि लाइट पीछे से पूरी आती है, लेकिन जो ख़राब जो ग्लास है वो लाइट को पूरी तरह से बाहर निकलने नहीं देता, तो इसकी वजह से जो लाइट है वो अंदर ही रह जाती है। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी अगर ग्लास में, तो लाइट जो है बाहर नहीं आ पाएगी, तो इसलिए ये पहला रीज़न होता है। अगर आपकी बाइक जो है येलो लाइट अगर देती है तो उसका ये पहला रीज़न होता है। अगर ये आपका जो ग्लास है ख़राब हो चुका है तो आप इसको पहले रिप्लेस कर लीजिए। अभी हम जो सेकंड नंबर पे देखते हैं इसके बल्ब को, अगर इसका जो बल्ब है ये ख़राब हो चुका है, जैसे कि आपको मैं ये बल्ब दिखा रहा हूँ, एक ट्यूब है, तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे ब्लैक पड़ गई है। तो अगर ऐसा है आपका बल्ब या ट्यूब जो भी है आपकी बाइक में, तो आप उसको चेंज कर लीजिए अगर वो ऐसा है तो, क्योंकि इसके कारण भी जो आपकी बाइक है उसकी जो लाइट है वो पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से आपकी जो लाइट है वो डिम चलेगी। उसके बाद हम आते हैं वायरिंग पे। आपको मैं एक करके बताता हूँ, जैसे मेरे पास दो वायर हैं, ये पुरानी वाली है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इंसुलेटर को हटा के आपको बताता हूँ। ये देखिए इसका जो मेटल है जो कि कॉपर होता है वो कैसे ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अभी मैं आपको दूसरी वायर के बारे में बताऊंगा, जैसे ये नई वायर है, तो अभी मैं इसको आपको छील के बताता हूँ। ये देखिए ये मैं इसको छील रहा हूँ, तो ये देखिए इसका जो कितनी सुपीरियर वायर है अभी, तो टाइम के हिसाब से ये वायर से वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस अगर वायर का बढ़ जाए तो करंट उसमें कम हो जाता है, करंट पूरी तरह से वो कंडक्ट नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से जो आपकी बाइक है उसकी जो वायरिंग है अगर ख़राब हो चुकी है तो उसकी वजह से भी आपका जो हेडलाइट है वो डिम चलता है। तो अभी सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम पूरी वायरिंग तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेन जो हेडलाइट है उसकी सिर्फ वायरिंग को आप चेंज करवा सकते हैं। तो इसकी अगर वजह से आपकी लाइट जो है वो डिम चल रही है बाइक की, तो वो सही हो जाएगा, तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो जितनी भी आपकी वायरिंग है उसको नहीं कुछ भी छेड़ना, बस जो आपकी हेडलाइट की वायरिंग है उसमें आपको एक नई वायरिंग जो है वो ऐड कर देनी है दो, तो अगर उसकी वजह से ये येलो लाइट की प्रॉब्लम हो तो वो सही हो जाएगी। अभी आगे आता है, कई भी ऐसा होता है कि जो पीछे वाली लाइट का जो बल्ब है अगर वो ज़्यादा वाट का होता है, तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण जो मेन लाइट है वो धीरे चलती है, जैसे येलो लाइट की प्रॉब्लम है जहाँ वो कम चलती है, तो वो इसकी वजह से भी चलती है। तो आप ये बात का ध्यान रखें, कभी भी आप पीछे की लाइट का जो बल्ब अगर चेंज करवाएं तो उसको सेम वाट का रखें। तो अगर आपको इसका डाउट है कि जैसे कि ये बल्ब जो है ज़्यादा वाट का है, तो आप इसको हटा कर भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो हेडलाइट है इसको आप निकाल के हेडलाइट को टेस्ट कर लीजिए, अगर वो अच्छी तरह से चल रही है इसको हटाने के बाद, तो आप इसको इसकी जगह आप एलईडी बल्ब लगा सकते हो। एलईडी बल्ब्स वगैरह अभी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से कुछ भी कोई भी बल्ब परचेज़ करके लगा सकते हो। तो अगर इसकी वजह से आपकी जो लाइट धीरे चल रही होगी तो वो प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद हम स्विच वगैरह पे आते हैं, जैसे कि जो हेडलाइट का स्विच होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो टाइम के साथ ये ख़राब होने लगता है, इसकी जो मेटल है उस पर रस्ट वगैरह जो जमने लगता है, तो जंग वगैरह लगने के कारण जो इसका कंडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो लाइट है वो आपको नहीं मिलती।
तो अगर आपको ऐसे केस है तो आप इसमें कुछ ऐसे लिक्विड वगैरह, कोई स्पिरिट वगैरह या पेट्रोल वगैरह डाल के इसको अच्छे से क्लीन करके आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे कोई भी पेट्रोल वगैरह, कैरोसिलिन या फिर कोई स्पिरिट वगैरह, अच्छी जो अच्छा क्लीनर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वॉश कीजिए अच्छे से पेट्रोल वगैरह के साथ, और ज़रूरत पड़े तो इसको ऐसे खोल के इसको आप ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए। अगर इसकी वजह से जो लाइट है वो डिम चल रही होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम इससे। तो अभी लास्ट में जो बात आती है वो आती है कोयल्स की। अगर जो आपकी बाइक की लाइट है वो बिल्कुल डिम चलती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न है वो आपकी मेन कोयल्स भी होती है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि सब कुछ करने के बाद भी आपकी बाइक की जो लाइट है वो अच्छी सी नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप एक बार इसकी जो कोयल्स हैं उसको चेक करवा लीजिए। और वैसे भी अगर आपकी बाइक को काफ़ी टाइम हो चुका है तो ज़्यादा संभावना होती है उसकी जो कोयल्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसकी कोर वगैरह जो ख़राब हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर जो करंट है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाती कोयल, तो इसकी वजह से भी जो लाइट है वो डिम चलती है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया है इसके बारे में। अगर इससे भी मुझे अच्छा कुछ, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे वायरिंग वगैरह भी अगर चेंज ना की जाए तो कोई अल्टरनेट कोई ऑप्शन मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई अल्टरनेट ऑप्शन मिल गया तो मैं उसी वक्त आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये जो सारे फैक्टर हैं इसकी वजह से जो आपकी जो प्रॉब्लम है लाइट वगैरह की वो 100% तक सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।